बीएसपी प्रत्याशी नरेंद्र चौधरी के लिए महिमा जी प्रचार कर रही है। महिमा जी इस वक्त आपके हमारे साथ है। इतनी गर्मी में ये प्रचार करना कितना मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी तादाद में लोग बाहर सपोर्ट करने आए नरेंद्र का तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लॉयर हैं और मैं इनका समर्थन देने आई हूँ, मेरा केस लड़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा। ऐसे जब कॉन्फिडेंट लोग और पढ़े लिखे लोग जब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आई थिंक जब इतने सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और पूरी उम्मीद है कि ये जीतेंगे। तो नरेंद्र, आपको क्या लगता है कि एडवोकेट होने के फायदे भी हो गए अब कि आप प्रत्याशी हैं तो महिमा जी आई हैं प्रचार के लिए? होगा मैम, थोड़ा बहुत देखो, एक पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि वैसे भी जो भी हमारे कंटेस्टर हैं उसमें सबसे एजुकेटेड लगभग मैं ही हूँ, और मैंने सोशल वर्क भी काफ़ी किया है और जनता आप देख ही रहे हो, लगभग सभी मामला ठीक है मैम। तो महिमा, ऐसे में क्या लगता है, आप इस इलाके में घूम रही हैं, किस तरह की समस्या आपको लग रही है? सबसे पहले तो लेडी हूँ तो मुझे सबसे पहले साफ सफाई, मतलब मैं यही कह रही थी इनसे कि यहाँ पे सफाई क्यों नहीं की हुई। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया काफ़ी साल हो गए और यहाँ पे सफाई नहीं है। तो इसे अभी देखो, यहाँ पे लोग जो अभी म्यूनिसिपैलिटी में थे जिनके पास मतलब ये पावर था साफ करने का, उन्होंने नहीं किया। मैं आऊँगा तो सबसे पहले मैम यही करूँगा। तो या सबसे पहले समस्या तो मुझे वही लगी, बाकी आई एम श्योर कि और भी समस्याएं हैं जो ऐसे नहीं दिखती फेस पे, वो इनको अच्छे से पता होगा, वो अच्छे से काम करेंगे। किस तरीके की है? काफ़ी समस्याएं मैम, सफाई की भी है और मतलब समस्या ही समस्या है। मैं क्या कह गिनवाऊँ, एक दो घंटा हो जाएगा अगर तो समस्या गिनवाने लगूँ मैम, लोग सभी जानते हैं। तो लेकिन क्या लगता है कि जब कोई फिल्म स्टार प्रचार करता है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत होती है तो उम्मीदवार की तरफ ध्यान भी ज़्यादा जाता है? ऐसे में हम ऐसी कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इतनी तकलीफ़ करते हैं कि हम आएँ, और फिर इन लोगों के पास से भी ज़िद होती है कि मैम आप आएंगे तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम आते हैं और सबसे यही बताने के लिए आते हैं कि हम समझते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, ये कर्तव्य हैं, तो इनकी तरफ थोड़ा ध्यान जाए और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर जीतें।